हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आज झारखंड की जहां सत्ता बदलने का असर अब साफ तौर पर दिख रहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पहले इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे और अब अस्पताल से उन्हें एक बंगले में शिफ्ट कर दिया गया। मुंह पर मास्क, पैदल चलने में दिक्कत और अगल बगल पुलिस वालों की फौज। पत्रकार सवाल करते रहे लेकिन लालू बेपरवाह आगे बढ़ते रहे। कुछ इस तरह लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स अस्पताल से अपने नए ठिकाने की ओर चले। लालू का नया ठिकाना रिम्स के डायरेक्टर का बंगला है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रहे किसी कैदी को इस तरह बंगले में शिफ्ट करने का मामला शायद ही कहीं आया हो। लालू अभी तक रिम्स अस्पताल के पेइंग वार्ड में भर्ती थे, लेकिन पेइंग वार्ड को झारखंड की सरकार ने कोविड वार्ड में बदलने का फैसला लिया है। इसकी वजह से लालू को अब अस्पताल के डायरेक्टर के बंगले ले जाया गया है। पिछले महीने रिम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर डी के सिंह के रिटायर होने के बाद उनका बंगला भी खाली है। लालू के एक सेवादार को कोरोना हो चुका है, जिसके बाद लालू का कोरोना टेस्ट भी किया गया था लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अब कोरोना के खतरे से लालू को पूरी तरह बचाने के लिए उन्हें रिम्स डायरेक्टर के बंगले में भेजा गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के सत्ता में आते ही लालू यादव को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का आरोप लगता रहा है। वैसे तो झारखंड विधानसभा में आरजेडी का सिर्फ एक विधायक है, लेकिन गठबंधन के दौर में एक एक विधायक अहम माना जाता है।